टूपाक वर्सेस बिगी, जिसकी वजह से ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट राइवलरी स्टार्ट हुई थी। और ये ऐसी बीफ है, जब कभी भी हिप हॉप में लेजेंडरी बीफ्स का नाम लिया जाता है तो ये बीफ उस लिस्ट में टॉप पे होती है। और बहुत लोग को ये बात पता ना हो, पर इस बीफ से पहले टूपाक और बिगी एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। पाक वाज ऑलमोस्ट लाइक मेंटरिंग बिग इन द बिगिनिंग। To understand Biggie and Tupac is really to watch this kind of Gemini quality. You know, they were both Geminis and they attracted each other and then, of course, you know, it repelled. दोनों ने साथ में shows किए हैं, साथ में interviews किए हैं और ये दोनों साथ में hangout भी किया करते थे। They got the camera on the nigga, guess they like me. But now I'm about to pass this motherfucker on cause this Tangeray is getting hella strong. Money holes and clothes, blood smoke coming out the nose is all a nigga knows, flipping on foes, putting tags on toes. In brief, they both were learning from each other and growing together. But things suddenly changed on November 30, 1994. और इस दिन से सिर्फ Tupac versus Biggie start नहीं हुआ था, East Coast और West Coast की rivalry भी start हो गई थी। So उस दिन Tupac ने अपना recording schedule किया था with Little Sean at Quad Studio, Manhattan। और जब Tupac studio पहुंचे तो उस studio में पहले से ही Junior Mafia, Biggie और Bad Boy Records के member present थे। और जब Tupac studio के सामने के street में थे तो उन लोगों ने studio से Tupac को greet भी किया। We was on the 8th floor, and me and Nino just went outside to go smoke real quick and just, you know, kick it. And I seen Pac walking up the block, and I just started yelling down at him. I'm like, yo, the C's! Come around the corner, I'm gonna come downstairs and get you. And that's how I went. I walked back, I came back in the room, and I told Big, I'm like, yo, Big, Pac downstairs. He's like, yo, go downstairs and get him. Once Tupac entered the building, वहाँ पे suddenly कुछ लोग आ गए बंदूक के साथ, जिन्होंने Tupac के ऊपर 5 गोली फायरिंग की और Tupac को रॉब कर लिया। और जब Tupac को वहां से स्ट्रेचर से ले जाया जा रहा था तो Tupac ने बिगी और वहां पे जो बैड बॉय रिकॉर्ड्स के मेंबर प्रेजेंट थे उन्हें मिडिल फिंगर दिखाया, क्योंकि Tupac को लगा वो जो फायरिंग हुई थी Tupac के ऊपर वो बिगी ने करवाई थी। ओके, सो दिस इज हाउ द बिगेस्ट राइवलरी इन हिप हॉप स्टार्टेड। हम इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि ये राइवलरी आगे कैसे बढ़ी, कैसे बिगी और Tupac ने एक दूसरे के लिए डिस ट्रैक ड्रॉप किए और कैसे इस बीफ ने दोनों लेजेंड्स की जान ले ली। सो अगेन, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, फोर श्योर तुम बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करने वाले उस वीडियो से। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। गाने का नाम है दूर ना जाना, आर्टिस्ट है सनी भाई, ने बहुत सही काम किया है, बहुत ही अच्छा गाना बनाया। तो मैंने इस गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, भाई के लिंक में क्लिक करना और कमेंट ड्रॉप कर देना कि तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, भाई सपोर्ट डिजर्व करते हैं, जाओ भाई को सपोर्ट करो। Tupac के क्वाड स्टूडियो में हुई शूटिंग के सिर्फ 2 दिन के बाद Tupac के ऊपर सेक्सुअल अब्यूज के चार्जेस लगे। और कुछ दिनों के बाद Tupac ने अपने एक इंटरव्यू में यह बताया, बिगी, पफ डैडी और अपटाउन रिकॉर्ड्स के हेड एंड्रे हारेल इन्वॉल्व थे शूटिंग में जो Tupac के ऊपर हुई थी। और जब यह इंटरव्यू पब्लिश हो गया तो पफ डैडी ने Tupac को पर्सनली विजिट किया और Tupac को यह बताया कि उस शूटिंग में पफ डैडी या फिर बैड बॉय रिकॉर्ड्स का कोई हाथ नहीं था। बट स्ट्रेंजली फेब 1995 में बिगी ने एक ट्रैक ड्रॉप किया जिसका नाम था Who Shot You? Who shot ya? Separate the weak from the ops. Leap hard to creep them Brooklyn streets. और ये सॉन्ग का टाइटल देख के ये लग रहा था कि ये जो सॉन्ग है वो डायरेक्टेड है Tupac की ओर। पर बाद में पफ डैडी और बिगी ने ये क्लियर किया कि इस गाने में Tupac को उन लोगों ने टारगेट नहीं किया है और ये गाना Tupac के ऊपर शूटिंग होने से पहले रिकॉर्ड किया हुआ है। On August 3rd, 1995, Suge Knight, CEO of Death Row Records, जिससे कि Tupac साइन थे, उन्होंने एक अवार्ड शो पे बिगी, पफ डैडी और बैड बॉय रिकॉर्ड्स के ऊपर शॉट्स लिए। उन्होंने पफ डैडी को टारगेट करते हुए ये बोला कि पफ डैडी जो है वो अपने आर्टिस्ट के म्यूजिक वीडियो में अनवांटेड फीचर होते हैं सिर्फ एडलिप्स देने के लिए। All on a record, dancing, coming down from. और ये जो अवार्ड शो था वो न्यूयॉर्क में हो रहा था जो ईस्ट साइड को बिलोंग करता है। एंड एज अ रिजल्ट क्राउड ने Suge Knight के स्पीच पे बू किया। I mean,
the whole crowd started booing, and then I thought to myself, like, why would you do that? And the crowd again booed jab Dr. Dre ko producer of the year ka award mila. And in the response of that boo, Snoop Dogg ne Dr. Dre se microphone apne haath mein le liya. The East Coast don't love Dr. Dre and Snoop Dogg. The East Coast ain't got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg and Death Row. Y'all don't love us. Y'all don't love us. Well, let it be known then. We know y'all East Coast. We know we at East Coast and F. और इसके बाद जब पफ डैडी ने एज ए प्रेजेंटर स्टेज टेक ओवर किया, उन्होंने ऑडियंस को ये बोला, I'm the executive producer that a comment was made about a little bit earlier. But check this out, contrary to what other people may feel, I would like to say that I'm very proud of Dr. Dre, of Death Row, and Shook Knight for their accomplishments. And all this East and West that needs to stop. Okay, so इसके बाद भी जो problems है वो नहीं रुकी. Death Row Records और Bad Boy Records के member एक birthday party attend कर रहे थे at a club in Atlanta. दोनों groups के member के बीच कुछ conflict हो गई और Big Jack जो कि close friend थे Suge Knight के और member थे Death Row Records के, उन्हें गोली मार दिया गया और Suge Knight ने Puff Daddy aka Diddy को इस शूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बताया और इस इंसिडेंट के तुरंत बाद Suge Knight ने Tupac को प्रिजन से रिलीज कराया बाय पेइंग $1.4 million बाउंड और जेल से निकलने के बाद Tupac ने अपने सेवरल ट्रैक्स में Biggie, Puff Daddy और Bad Boy Records के ऊपर मल्टीपल शॉट्स लिए. इन नवंबर 1995 Tupac की मुलाकात हुई Biggie की वाइफ Faith Evans से और उस समय Biggie और उनकी वाइफ जो है वो साथ में नहीं रहा करते थे. अकॉर्डिंग टू Evans, Tupac ने उन्हें अपने एक ट्रैक में सिंगिंग करने के लिए अप्रोच किया एंड ही सेड कि वो उन्हें सिंगिंग के $2,50,000 पे करेंगे. पर रिकॉर्डिंग के बाद Tupac ने पैसे देने से मना कर दिया एंड Tupac सेड कि वो पैसे पे नहीं करेंगे अनटिल सी स्लीप विद हिम. और उस टाइम पे Biggie की वाइफ और Tupac के रिलेशनशिप की रूमर्स भी फैल रही थी पर Biggie की वाइफ ने इस रूमर को डिनाई कर दिया. Tupac ने अपने कुछ इंटरव्यूज में भी Faith Evans के साथ रिलेशनशिप की बात करी थी. बट लेटर Tupac ड्रॉप्ड अ डिस ट्रैक फॉर Biggie जिसमें उन्होंने Biggie के ऊपर तो शॉट्स लिया ही और Biggie के वाइफ के साथ रिलेशनशिप की भी बात करी. On September 7th, 1996, while the rivalry between East Coast Bad Boy Records and West Coast Death Row Records was going on, Tupac को गोली मार दी गई at the intersection of Flamingo Road and Koval. उन्हें तुरंत मेडिकल सेंटर ले जाया गया पर 6 दिन के बाद unfortunately Tupac died. और Tupac के डेथ के 6 महीने के बाद on March 9th, 1997, Biggie was also killed in a drive-by shooting at Los Angeles, California. So because of this beef, we lost two legends, Tupac जो सिर्फ 25 साल के थे and Biggie जो सिर्फ 24 साल के थे. Biggie and Tupac will be known forever in hip hop और आज कितने सारे rappers हैं जिन्होंने इन दोनों की वजह से, इन दोनों से inspire होके rap करना start किया है. So this was how Biggie versus Tupac, East Coast versus West Coast, Bad Boy Records versus Death Row Records started and ended. और अगर तुम लोग को प्रॉपरली Tupac और Biggie के डेथ के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैंने उनपे सेपरेट वीडियो बनाया है, तुम वो वीडियो चेक कर सकते हो. ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो. वीडियो कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट. अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. अगर तुम पहले से भी देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करता है, ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बनता है, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है. और अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो. और अगर तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, तुम वहां पे मुझसे बात कर सकते हो 1-on-1 में. डिस्कॉर्ड के वॉइस चैनल पे आता रहता हूं. और अगर तुम्हें कस्टम बीट बनवाना है, अपने ट्रैक मिक्स मास्टर करवाने हैं अफोर्डेबल प्राइस पे, तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो. सो दिस वाज इट, थैंक्स watching the video, thanks for showing all the love, all the support, thanks again. Kaisa nasha teri jaadon mein main lapata, cocaine jaisi chadti lat lagi hai kya pata, saath bitaye pal labon pe jaisi puff kiche, koson mein door fair in mind mera tere beech.